अस्सलामु अलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 1.5। इससे पहले पार्ट 1 में मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 करवा चुका हूँ। इस पार्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। वेरीफाई डेट जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालना है, वह जेड आएगा। इसका मतलब ये है कि देखेंगे जेड है, पहले आपको इसका एक दफ़ा कॉन्जुगेट निकाल लेना है और फिर दोबारा इसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, जेड के ही इक्वल होता है। वेरीफाई करते हैं, यहाँ पे हमें सवाल दे दिया है 4/7 + 9/10 आयोटा। रियल पार्ट इसका 4/7 है, इमेजिनरी पार्ट इसका 9/10 है। सबसे पहले सॉल्यूशन लाइट कर लेंगे। कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो कॉन्जुगेट हमने दोनों जानिब ले लेना है। अच्छा देखें, ये जो साइन होता है ऊपर, ये कॉन्जुगेट का होता है, जो ऊपर लाइन आपको नज़र आ रही है, और ये लाइन हटती है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। इसे ही कॉन्जुगेट कहते हैं, क्योंकि हमें तो दो बार कॉन्जुगेट लेना है, तो अगेन कॉन्जुगेट, और ये कॉन्जुगेट हटेगा तो साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें, जब आपने इसका कॉन्जुगेट निकाल लिया तो ये चीज़ जो है ये वही है जो जो आपने वहाँ पे लेट की थी, ये मौजूद है। इसका मतलब Z के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, Z के ही इक्वल होता है, यानी कि वही सवाल के इक्वल हो जाता है। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ इसका बेटा कॉन्जुगेट निकालो, तो आप प्लस की जगह पे क्या लगा दोगे, माइनस। मैं बोलूँ दोबारा निकालो तो माइनस की जगह पे क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब वहीं चले जाओगे जहाँ मौजूद थे। तो ये वेरीफाई हो गई कि जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन सवाल दोबारा उतार लेंगे, जेड के इक्वल ले लेंगे। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ले लिया है हमने, तो ये साइन हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अगेन कॉन्जुगेट, और माइनस की जगह दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस। इसका मतलब ये वापस किसके इक्वल आ गया, जेड के इक्वल आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया, जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, जेड। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन दोबारा सवाल उतार लेंगे, लेट कर लेंगे, जेड के इक्वल ले लिया है। टेकिंग कॉन्जुगेट, अच्छा कॉन्जुगेट का साइन हटेगा, माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये रेड से इसी वजह से शो किया है ताकि आपको याद रहे कि हमने साइन चेंज किया है। अगेन कॉन्जुगेट, अब ये प्लस था, माइनस इस कॉन्जुगेट की वजह से प्लस की जगह पर दोबारा क्या आ जाएगा, माइनस। अब ये और ये क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, वापस जेड के ही इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सवाल दोबारा उतार लेंगे, लेट कर लिया है जेड के, टेकिंग कॉन्जुगेट, फिर कॉन्जुगेट जब लेते हैं साइन चेंज कर देते हैं, अगेन कॉन्जुगेट ले लेंगे तो ये माइनस की जगह दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि वही जेड के इक्वल आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे, और ये माइनस माइनस क्या हो गया है, प्लस हो गया है। साथ में 3 से 3 क्या हो रहा है, कैंसिल। तो बेटा इस 3 से ये 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये 3 9 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस 3 आ जाएगा, यानी कि 3 1 3 3 3 9। और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। टेकिंग कॉन्जुगेट, साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, अगेन कॉन्जुगेट, तो ये माइनस की जगह पे दोबारा क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, जेड के होता है। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन लेट कर लेना है, जेड के इक्वल ले लिया है। टेकिंग कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का साइन हटेगा तो प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा, और फिर दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस की जगह पे दोबारा प्लस आ जाएगा। तो ये भी वेरीफाइड हो गया है, जेड के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होता है, जेड के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, याद रखें कि यहाँ पे हमें क्या करना है, x प्लस वाई आयोटा माइनस 5 + 5 आयोटा। तो ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट हमेशा रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। सॉल्यूशन, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस 5 के, और y किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के। सिंपल सा, तो x y की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं।
तो यहाँ क्या होगा, सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार लिया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, यानी कि रियल पार्ट के इक्वल हो गया, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। लेकिन हमें एक्स स्क्वायर नहीं निकालना है, हमें एक्स फाइंड आउट करना है, तो हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। इसी तरह से अंडर रूट 16 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के, क्योंकि आपको ये बात पता होनी चाहिए, अंडर रूट 16 जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 4 के इक्वल होता है। कैसे, ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये पेयर बन गया, और रूट के अंदर जब पेयर बन जाता है तो वो किसके इक्वल आ जाता है, रूट से बाहर आ जाता है। तो अंडर रूट 16 4 के इक्वल होता है, इसी तरह से अंडर रूट 9 भी, अंडर रूट 9 से मुराद जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो अंडर रूट 9 3 के इक्वल आ जाएगा, और अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है, 5 के इक्वल हो जाएगा। प्लस माइनस, जब भी रूट में वैल्यू लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं, याद रखें, जब रूट ऑन बोथ साइड लेते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं नंबर के साथ। तो अंडर रूट 16 4 के इक्वल आ गया, और अंडर रूट 9 3 के इक्वल आ गया, अंडर रूट 9 3 के इक्वल, इधर 3 लिख लीजिए, यहाँ 3 आएगा, यहाँ पे मैंने इसको चेंज कर दिया, क्योंकि अंडर रूट 9 3 के इक्वल होता है, और अंडर रूट 25 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 121 के, और एक्स अपॉन 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 9/5 के, यानी कि रियल पार्ट के और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल ले लेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121, एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 9/5, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वायर वाली वैल्यू पे ले लेंगे, इस पे तो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या करते हैं, स्क्वायर से रूट क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से ये 3 डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई, तो वाई इक्वल आ गया प्लस माइनस 11, क्योंकि अंडर रूट 21 किसके इक्वल होता है, 11 के इक्वल होता है। 3 डिवाइड हो रहा था, दूसरी जानब जाके मल्टीप्लाई, 9 3 जा 27, 27 अपॉन 5 के आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, अंडर रूट 5 अपॉन 3 एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 2 वाई, सॉल्यूशन के बाद सवाल दोबारा उतार लिया है, तो x यानी कि रियल पार्ट कंपोनेंट को रियल पार्ट के इक्वल ले लेंगे, यानी कि अंडर रूट 5 अपॉन 3 एक्स इज इक्वल टू 6 अपॉन अंडर रूट 3 अंडर रूट 2। इसी तरह से 3 अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट अपॉन 9 के इक्वल हो जाएगा। 3 डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानब जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानब जाके डिवाइड हो जाएगा, और अंडर रूट 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी जानब जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज़ को एक ही रूट के अंदर लिख देंगे। इसी तरह से इन दोनों वैल्यूज़ को भी एक ही रूट में लिख देंगे, अगर अलग अलग रूट के अंदर वैल्यू मौजूद हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो एक ही रूट में लिख देते हैं। ये हो जाएगा 18 अंडर रूट 3 अपॉन 10 आयोटा, यहाँ एक पेयर बन के 2 बाहर आ गया है, और जब रूट के अंदर दो वैल्यूज़ पेयर बन जाती हैं तो वो रूट से क्या आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, एक 2 पहले से मौजूद था, ये हो जाएगा 4 अपॉन माइनस 27, और इसी तरह से ये वही है जो ऊपर मौजूद था। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है और व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है, उसमें ऐड हो सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ होती हैं वो आपको मिल जाएंगी, और एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई बात समझ में ना आए।